सॉल्यूशन, न्यू टर्म्स एंड सॉल्यूशन। न्यू टर्म सॉल्यूशन की हमारे पास कल भी थी, कंसंट्रेटेड एंड डायलूटेड। आज थोड़ा और डिटेल में देखते हैं क्या चीज़ें हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डायलूटेड सॉल्यूशन जो टर्म है, बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट एंड सॉल्यूट। देखिए, कंसंट्रेशन एंड डायलूटेड सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, कि वाटर की मात्रा कम है या सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, उसके बेस पे हमारी चीज़ें हैं। एग्जाम्पल बाद में बात करते हैं। एक टर्म हमारे पास सॉल्यूशन की, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। चीज़ें देखिए क्या है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है व्हेन नो मोर सॉल्यूट डिजोल्व इन ए सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में अब और भी सॉल्यूट डिजोल्व नहीं हो सकता, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक गिलास वाटर लिया और वाटर के अंदर मैं चीनी ऐड कर रहा हूँ, मतलब शुगर ऐड कर रहा हूँ। मैंने एक चम्मच ऐड की, दो चम्मच ऐड की और लगातार मैं 10 चम्मच ऐड की, तो हर चीज़ पूरी चीनी या शुगर डिजोल्व हो गई, लेकिन 10 चम्मच के बाद में शुगर डिजोल्व नहीं हुई। इसका मतलब वो 10 चीनी उसका सैचुरेशन पॉइंट है। अदर वर्ड्स की बात करें, ऐसे कह सकते हैं हर एक आदमी की कैपेसिटी होती है पढ़ने की, सोचने की, लिखने की, कुछ भी काम करने की। मान लीजिए हमारी कैपेसिटी 2 घंटे है पढ़ने की, तो हमारा सैचुरेशन पॉइंट 2 घंटे है, तो उसके बाद में हमारे कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी, हम पढ़ नहीं सकते। तो उसी प्रकार से सॉल्यूशन के अंदर भी डिजोल्व होने की कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी का नाम है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मान लीजिए हमारी कैपेसिटी है पढ़ने की 10 घंटे और मैं पढ़ रहा हूँ सिर्फ एक, क्या मैंने पूरा पढ़ा? नहीं पढ़ा, तो उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड, मैं पूरा नहीं स्टडी किया। अदर वर्ड की बात करें साइंटिफिक डेफिनेशन में, व्हेन पॉसिबिलिटी ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट के डिजोल्व होने की पॉसिबिलिटी अभी भी है, अगर सॉल्यूट के डिजोल्व होने की प्रॉपर्टी अभी भी है, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो आपको दोनों चीज़ समझ में आ गई कि सॉल्यूशन दो प्रकार के थे, कंसंट्रेटेड एंड डायलूटेड। फिर ये बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो हमारे पास सॉल्यूशन दो प्रकार के थे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ये बेस्ड ऑन थे डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट। ये बेस किस पे थे? पॉइंट विल बी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजोल्यूशन ऑफ ए सोल्यूट, कि कितना सोल्यूशन उसमें डिजोल्व हो रहा है। ध्यान रखना एट ए सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप नीचे से हीट दे रहे हैं लगातार और डिजोल्व करते जा रहे हैं, वो वहाँ पे सैचुरेशन और अनसैचुरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। नाउ वी विल बी डिस्कस अबाउट द परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, परसेंटेज कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं कि सोल्यूशन बनता कैसे है। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट देन आल्सो सॉल्यूशन, पहले सॉल्यूट फिर सॉल्वेंट और क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूट वो होता है जो हमारे पास सदैव कम हो, सॉल्वेंट वो होता है जो हमारे पास ज़्यादा हो। तो सॉल्यूट हमारे पास 40 ग्राम है, सॉल्वेंट कितना है? 320 ग्राम है। सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा 360 ग्राम। सॉल्यूट क्या हमारे पास? शुगर था। सॉल्वेंट क्या था? वाटर था। सॉल्यूशन हमारे पास तैयार हो गया है। अगर बात करें परसेंटेज कंपोनेंट, हर एक चीज़ की परसेंटेज निकाल सकते हैं हम, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं हम, परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो देखते हैं, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। सबसे पहले लिखेंगे मास ऑफ ए सॉल्यूट, जो क्वेश्चन में गिवन है 14 ग्राम। तो मास ऑफ ए सॉल्यूट अपॉन में टोटल मास ऑफ ए सॉल्यूशन, परसेंटेज के लिए इंटू में 100, ये हमारे पास तैयार है। तो मास ऑफ सॉल्यूट है 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट है, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन है 360 ग्राम, काटा तो हमने, हमारे पास आंसर अवेलेबल हुआ 11.1%। पहली टर्म कंप्लीट होगी परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट टर्म है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, क्या है? मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू में 100। कई क्वेश्चन के कई हमारी कई क्या हम कहते हैं एनसीईआरटी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? एन सी ई आर टी में यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन ना लिख के वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन लिखा मिलेगा। तो सेम समझ जाना, टेंशन लेने की बात नहीं है। एक किलो को एक लीटर के इक्वल मानना, एक किलो को एक लीटर के इक्वल मानना और आंसर पुट करके आंसर है निकाल लेना। यह आपके एन सी आर टी में गिवन है और जो मैंने भी टर्म पढ़ाई हुआ है एन सी आर टी में गिवन है नहीं है।